आज हम आपको थेल्स थ्योरम बताने जा रहे हैं। थेल्स थ्योरम क्या होता है? पहले हम लोग थ्योरम्स को समझते हैं कि अगर किसी ट्रेंगल में किसी एक साइड्स, ट्रेंगल्स के तीन साइड्स होंगे, जैसे कि यहाँ हमने फिगर बनाया है ए बी सी एक ट्रेंगल, इसमें ए बी ए सी और बी सी तीनों साइड में किसी एक साइड्स के पैरेलल्स अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, तो यहाँ हमने बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है डी ई, तो ये जो बाकी दो साइड्स है जिसके पैरेलल्स हमने ड्रॉ किए उसके अलावे जो दो साइड्स बच जाते हैं इस फिगर में ए बी और ए सी है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पहला पार्ट हो गया ए डी और दूसरा हो गया ए बी, और इस साइड्स का हो गया ए ई और ए सी। इनके जो रेशियोज़ होंगे, पार्ट्स के जो रेशियोज़ होंगे वो इक्वल होते हैं, यही थेल्स थ्योरम कहता है। ये हम लोग को प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक दूसरे फिगर्स का सहारा लेते हैं। चलिए देखते हैं कि उस फिगर में कैसे होता है। सपोज़ करिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरह का, ये हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया ए बी सी एक ट्रायंगल ए बी सी। अब अगर हम लोग बी सी को बेस लेते हैं, बी सी को बेस लेकर के अगर हम चाहते हैं कि इस ट्रायंगल्स का एरिया लिखें, तो बी सी के क्रॉसपॉन्डिंग्स हमको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा, तो बी सी के अपोजिट वर्टिसेस ए हो गया, ए से बी सी पे हम लोगों को एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा। लेकिन यहाँ अगर हम ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये एल्टीट्यूड जो होता है वो बी सी पे नहीं होकर के बी सी को प्रोड्यूस करने पे कहीं पर मिलेगा। तो बी सी बेस लेने पे हम लोग इसको एल्टीट्यूड ले सकते हैं, और ये एल्टीट्यूड्स इस ट्रायंगल्स के बाहर होता है। उस केस में हम लोग ट्रायंगल्स का एरिया लिख सकते हैं 1/2 बेस बी सी और ये एल्टीट्यूड एच, ये हो जाएगा एरिया। लेकिन अब इस ट्रायंगल्स को हम लोग भूल जाते हैं, इसको अगर भूल करके हम लोग एक दूसरा ट्रायंगल्स ले लेते हैं इस तरह से बी डी, ए बी डी ले लिए, तो इस ट्रायंगल्स का एरिया जानने के लिए अगर हम लोग बी डी बेस लेते हैं तो बी डी के क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड इसका ए हो जाता है, तब इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बी डी इंटू एच। अब आप देखिए ये जो ट्रायंगल्स इधर के ट्रायंगल्स हैं, ये वाले ट्रायंगल्स, इसका बेस हमने बी सी लिया और एल्टीट्यूड ये हो गया जो ट्रायंगल्स के बाहर है। लेकिन जब हमने इस ट्रायंगल्स को लिया तो इस ट्रायंगल्स में बेस हमने बी डी को लिया और इसका एल्टीट्यूड इस ट्रायंगल के अंदर है, तो एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर और ट्रायंगल्स के अंदर भी हो सकते हैं, और हम लोग उसको एरिया लिखते हैं। लेकिन अब देखिए कि बी सी प्रोड्यूस्ड पे ये एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल के लिए, और यहाँ पर बी डी पर भी एल्टीट्यूड्स है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ समझेंगे। चलिए हम लोग थ्योरम्स में आते हैं। थ्योरम में हमारा गिवन है, गिवन में केवल हमारा दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल बी सी है, डी ई पैरेलल बी सी है, और हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव जो हमको प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शंस हमारा क्या है कि हम लोग सबसे पहले BE को ज्वाइन किए, BE एंड DE को ज्वाइन, DC को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन BE एंड DC। ज्वाइन करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं DM, यहाँ पर DM एक एल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ कर लिए AC पर, और फिर इधर से भी एक एल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ करते हैं E से, DN एंड DN परपेंडिकुलर AB, ये आ गया। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग अब इस ट्रायंगल्स में अगर लेते हैं DBE ट्रायंगल, ये ट्रायंगल DBE ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का अगर हम लोग ये बेस लेंगे तो इसके लिए ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। इसके अलावा ADE ट्रायंगल
को हम लोग जब कंसिडर करते हैं और इसका ए डी हम लोग बेस लेंगे तो इसका डी एन एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो डी एन ये जो ट्रेंगल्स है डी बी ई और ए डी ई दोनों का बेस होगा। तो अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। हमारा प्रूफ है कि इन ट्रेंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, ये इसका एरिया हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बेस ए डी ले लेंगे और इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा ई एन और इस पे हम लोग बाई करते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई बी एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई और इसका बेस हो जाएगा हम इसका हो जाएगा 1/2। इसके लिए बेस हम लोग बी डी लेंगे बी डी और इसका भी एल्टीट्यूड ई एन ही होगा। अब आप देखिए दोनों तरफ से ई एन कट जाएगा 1/2 कट जाएगा। सो दिस कैन बी रिटेन ए डी बाई बी डी। नाउ अब हम लोग फिर आ जाते हैं इसी ट्रेंगल्स को लेते हैं ए डी ई को। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई। इसका बेस इसका एरिया अब हम लोग 1/2 लेंगे लेकिन बेस हम लोग चेंज कर देते हैं। बेस हम लोग ले लेते हैं ए ई ए ई और जब ए ई बेस लेंगे तो इसका एल्टीट्यूड या हाइट हो जाएगा डी एम। ये हो गया डी एम। अब इस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इस साइड के ट्रेंगल्स को डी सी ई को एरिया ऑफ ट्रेंगल डी सी डी सी ई। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2। इसके लिए बेस हम लोग ई सी लेंगे ई सी ले लिए और इसका हम लोग एल्टीट्यूड डी एम ही लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए डी एम कट जाएगा 1/2 कट जाएगा। तो ये आपका आ गया दिस इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड का नाम देते हैं। अब चलिए दोनों इक्वेशंस में क्या चीज़ आता है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई और सेकेंड इक्वेशन का एल एच एस है हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल डी सी ई। ये दोनों साइड्स इक्वल हो सकते हैं तब जब हमारा डी बी ई और डी सी ई का एरिया इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर देखिए सेम है ए डी ई ए डी ई मीन्स ये अपर पार्ट ऑफ द ट्रेंगल दोनों का न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर में दो अलग अलग ट्रेंगल्स हैं। ये ट्रेंगल है और ये ट्रेंगल है। इस दोनों ट्रेंगल्स का अगर एरिया सेम होगा तो ये हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों इक्वल है कैसे। इस ट्रेंगल्स को आप देखिए कि डी बी ई डी बी ई और डी सी ई डी सी ई इसका बेस डी ई है और ये डी ई और बी सी पैरेलल लाइन के बीच बना हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं सिंस एरिया ऑफ ट्रेंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल लाइंस आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये एल एच एस दोनों का इक्वल हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का अगर एल एच एस इक्वल है तो दोनों का आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी।
AE/EC, यही आपको प्रूव करना था थेल्स थ्योरम में। ये हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव था, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, सो दिस इज प्रूव्ड नाउ। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करेंगे।